और ऊपर से लोग बाहर घूमने जा रहे हैं, डेट पे जा रहे हैं और व्हाट्सएप पे स्टेटस डाल रहे हैं, वो देख के मेरे को बहुत ज़्यादा ही जेलस फील हो रहा था। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेरी वेरी वेल। सो दिस इज माय थर्ड व्लॉग। यस, दिस इज माय थर्ड व्लॉग। बहुत दिनों से सेकेंड व्लॉग कर रही थी, फाइनली थर्ड व्लॉग में आ गई। तो अभी हो रहा है 9:08 इन द मॉर्निंग और टुडे इज 15th of February। यस, फाइनली वैलेंटाइंस डे खत्म हो गया, बहुत शांति मिली मेरे दिल को। हाँ ये भी मैं बता देती हूँ क्यों, क्योंकि एक तो मेरे एग्जाम्स आने वाले हैं 20th से, और ऊपर से लोग बाहर घूमने जा रहे हैं, डेट पे जा रहे हैं और व्हाट्सएप पे स्टेटस डाल रहे हैं, वो देख के मेरे को बहुत ज़्यादा ही जेलस फील हो रहा था। हाँ, तो इसीलिए बोला फाइनली वैलेंटाइंस डे खत्म। ये खत्म, किस डे खत्म, प्रॉमिस डे, एवरीथिंग खत्म हो गया। नहीं, आज भी कुछ है, आज है स्लैब डे आई थिंक। हाँ, कुछ तो है ऐसा। ऐसा नहीं है कि मैं सिंगल हूँ इसीलिए वैलेंटाइंस डे, आई हेट वैलेंटाइंस डे, इट्स नॉट लाइक दैट। लाइक अगर मैं पुलवामा के लिए सॉरी फील करती हूँ तो ऐसा नहीं है कि मैं ज़्यादा ही पैट्रियटिक हो जाती हूँ। अगर मैं वैलेंटाइंस डे सेलिब्रेट करती हूँ, ऐसा भी नहीं है कि मैं उस अटैक के लिए मैं आई एम नॉट फीलिंग सॉरी, इट्स नॉट लाइक दैट। लाइक जिनको जो सोचना है, उनको जिनको जो करना है सोचना है, उनको वो करना करने देना चाहिए। हमको किसी को जज नहीं करना चाहिए, बिकॉज हेटेड इज नॉट गोइंग टू टेक मी एनी वेयर एंड ट्राई टू स्प्रेड लव लाइक आई एम डूइंग स्प्रेडिंग लव। तो मैं अभी एक्चुअली पढ़ाई कर रही थी, तो मैंने सोचा आज एक ब्लॉग बना लेते हैं, डे इन माई लाइफ। सो यहाँ तो मैं उठ गई थी बहुत पहले 5 बजे, और ब्रश भी कर लिया, ब्रेकफास्ट भी कर ली और पढ़ाई करने बैठी थी, तो मैंने सोचा आज ब्लॉग बनाते हैं। तो और क्या करूँ, कुछ करने के लिए है नहीं, तो मैं थोड़ा पढ़ाई कर लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ, स्टे ट्यून्ड। जिनके बोर्ड्स आ रहे हैं उनको बता दो अच्छे से पढ़ाई कर लो बेटा, मार्क्स कम आ गए ना तो मम्मी पापा तो वैसे ही खराब कर देंगे। पढ़ाई करते करते वैसे भी खराब, आधा खत्म हो गए और एग्जाम खराब, मार्क्स गंदे आए ना, तो वैसे भी पढ़ने वाले हो। जो लोग बोल रहे हैं ना अ सिंगल पीस ऑफ पेपर इज नॉट गोना डिसाइड माय फ्यूचर, बेटा पढ़ाई कर लो अच्छे से, वरना ये पेपर तुम्हारे मुंह पे पड़ेगा। इट्स नॉट फनी ना, आई नो, आई एम रियली गुड एट बैड जोक्स। मैं जब भी जोक मारती हूँ कोई हंसता ही नहीं है। अभी हो रहा है टाइम 11 बजने को, अब 5 मिनट बाकी है। एक्चुअली बीच में मैं व्लॉग नहीं कर पाई क्योंकि मेरे सर आए थे और पढ़ा के गए हैं, और एक और सर आने वाले हैं शाम को 7:30 बजे। मेरे घर पे 3 ट्यूटर्स हैं जो मेरे को पढ़ाने आते हैं। हाँ, ट्यूटर्स तो पढ़ाने आते होंगे ना। तो अभी 11 बजने को है, बहुत भूख भी लगी है, तो मैं कुछ खा लेती हूँ। खाने के बिना तो कुछ है नहीं, खाने पे ही दुनिया कायम है। ठीक है, मैं खाती हूँ फिर आपसे बात करती हूँ। मेरे सब्जेक्ट्स क्या क्या है, मैं ह्यूमैनिटीज में हूँ और मेरे सब्जेक्ट्स है पेंटिंग, फिजिकल एजुकेशन, इंग्लिश, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, दैट्स ऑल। यही है मेरे सब्जेक्ट। इनमें से फिजिकल एजुकेशन एंड पेंटिंग तो बहुत ईजी है, ईजी मतलब क्या, बहुत ही ईजी। और इंग्लिश तो मैं क्या बताऊँ, इंग्लिश ईजी भी नहीं बोलूँगी, डिफिकल्ट तो मैं बोलूँगी नहीं। और रह गए पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी। पॉलिटिकल साइंस इज क्वाइट, इट्स नॉट टफ बट चलता है वैसे तो। ज्योग्राफी तो और भी ईजी है, तो मेरा हो जाएगा। तो वैसे 3 आवर्स करके मेरा हो जाता है सारे सब्जेक्ट। तो अभी मैं और आई थिंक अभी मैं नहीं बैठने वाली, अभी थोड़ी देर में खेलूंगी, आई मीन पबजी, आई लव प्लेइंग पबजी। ओके, तो थोड़ी देर बाद मैं खेल के फिर देखते हैं क्या करते हैं। तो मैं थोड़ी देर पबजी खेल, वैसे तो बोर्ड स्टूडेंट को ऐसे खेलना नहीं चाहिए पबजी, बट आई प्ले। अगर आप मैनेज कर सकते हो तो उसमें बुरी बात नहीं है, आप खेल सकते हो। पहले स्टडीज को मैनेज कर लो, टाइम टेबल अपना ठीक रखो, फिर बाकी सब कुछ करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरी मम्मी भी बोलती है, तो ठीक है, मिलते हैं फिर। कुछ नहीं।
खेल लिया आपने देखा होगा थोड़ा बहुत, मैंने ज्यादा नहीं दिखाया क्योंकि उसके बाद मैं मर गई थी। 1 बज रहे हैं तो मैं थोड़ी देर बाद, अभी तक मैं नहाया नहीं है, नहाऊंगी अभी और बस। तो अभी मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ। ऊपर सेकंड फ्लोर में मेरे कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं, वो देखो। मैंने मेरे सेकंड ब्लॉग में बोला था, वह मेरा रूम जो भी रेडी हो रहा है, ये बनेगा मेरा रूम, दूसरा रूम। तो अभी मैं घर पे आके बैठ गई, घर पे ही हूँ सुबह से। तो अभी मैं नहा लूंगी और उसके बाद थोड़ा पढ़ाई करने बैठ जाऊंगी और पता नहीं पढ़ते पढ़ते मैं सो भी जाऊं, तो फिर बीच में तो मैं व्लॉग नहीं कर पाऊंगी। और हाँ, तो फिर मिलते हैं आपसे शाम को। गुड इवनिंग एवरीवन। सो इट्स 5:45 इज इवनिंग एंड इतनी अच्छी वाली नींद आई ना, मतलब क्या बताऊँ। अगर मैं नहीं सोती हूँ ना दोपहर में तो तक, मतलब मैं थोड़ी बहुत क्रैंकी हो जाती हूँ, जीने लग जाती हूँ। तो हाँ, बहुत अच्छी वाली तगड़ी वाली नींद आई है, मैं फ्रेश हो जाती हूँ। तो मैं फ्रेश हो गई और फिर से आके बेड पे बैठ गई और अभी बज रहा है 6:15 और अभी मम्मी भी टीवी देख रही है। तो मैं 7:30 बजे पढ़ने बैठूंगी और मेरा टाइम ही है 7:30 बजे। उसके बाद 7:30 से लेकर 10 बजे तक पढ़ाई, देन डिनर। आफ्टर दैट आई डोंट नो व्हाट आई एम गोइंग टू डू। जो छोटे मोटे कुछ टॉपिक्स है वो ख़त्म करूंगी उसके बाद। तो अभी कुछ खाऊंगी, फिर खाने के बाद थोड़ा सा टीवी देख के फिर बैठूंगी। तो आप देख सकते हो मैंने फिर से बन बना लिया क्योंकि मुझे बन इतना अच्छा लगता है ना, आई लव बन। आपने मेरे को 2 व्लॉग्स में देखा है और जिन 2 व्लॉग्स में आपने मेरे को देखा उन दोनों में आपने आई थिंक एक चीज नोटिस की होगी कि मैं विदाउट मेकअप मैं व्लॉग करती हूँ। यस, इट्स नॉट लाइक दैट आई हेट मेकअप, नो, जस्ट मेरे को अच्छा नहीं लगता कि ये करो टाइम पास करके, ये लगाओ वो लगाओ, लिपस्टिक लगाओ, आईलाइनर लगाओ। मेरे को ये कुछ थोड़ा सा टाइम पास जैसा लगता है। नहीं, दूसरे करते हैं, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप करो, पर मुझे उतना टाइम वेस्ट करना अच्छा नहीं लगता। बस एक बाल बना लो, बस ड्रेस चेंज कर लो और निकल जाओ कहीं पे। और मेरे इयररिंग्स मैं पहनती हूँ, बस कल खोल दिए क्योंकि दर्द हो रहा था कान में इसीलिए। तो या What happened? ये मेरी छोटी सी एक मेंबर है मेरी फैमिली की जो बहुत प्यार करती है मेरे को। अभी आई है मेरे पीछे पीछे घूम के आ गई। हाँ हाँ, क्यों 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 क्यों, तुम बैठ नहीं सकती एक जगह पे, जगह बैठो जाके, चलो। नो, आई एम गोइंग। मैं जा भी जाती हूँ पीछे पीछे आ जाती है। What happened? देखो, अब मैं इधर खड़ी हूँ, इधर आ गई। It's my tea time right now. मम्मी ने बना के दिया है, अब इसको पियेंगे चाय। चाय पी लो चाय। हेलो फ्रेंड्स, चाय पी लो, अच्छी बनी है। ये जो दाग है, मुझे पता है आप लोग पूछोगे कि ये क्या है। ये एक्चुअली मैं जब पैदा हुई थी, मेरे बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन जो है उतना अच्छा नहीं था, तो मेरे जगह जगह पे ब्लड क्लॉट हो गए थे। तो ये बहुत इतना बड़ा था, तो डॉक्टर के पास गई, उन्होंने बोला मम्मी को कि ये आपकी बेटी बड़ी, जितनी बड़ी होती जाएगी ये
जो है ब्लड के साथ ठीक हो जाएगा, और ये जो दाग है ये आई डोंट थिंक जाएगा क्योंकि मैं हूँ ही पतली, आई एम स्किनी, और स्किनी होने की वजह से ये दाग जो है अभी तक यहाँ पे है, और जब भी मैं कहीं पे जाती हूँ ऐसा ड्रेस मतलब ऐसे राउंड नेक वाला कुछ पहनती हूँ तो लोग पूछते हैं कि ये क्या है, तो कुछ लोग डर जाते हैं, इसमें डरने वाली कुछ भी नहीं है, ये जस्ट मेरा स्किनी है। तो डॉक्टर से मैंने कंसल्ट की कि ऑपरेशन से ठीक हो सकता है, तो उन्होंने बोला हाँ ये ठीक हो सकता है, तो आफ्टर बोर्ड्स मैं जाऊंगी डॉक्टर के पास तो ये ठीक हो जाएगा। पता नहीं मैं कब मोटी होंगी, मैंने मोटी नहीं फिर भी मैं स्किनी हूँ ना, तो ठीक है फिर मैं चाय पी लेती हूँ। सो द टाइम राइट नाउ इज 7:50 एंड नाउ आई एम स्टडिंग दिस पेंटिंग लाइक ऑल इट्स थ्योरी क्वेश्चंस एंड ऑल। So this painting is quite interesting. The theory is quite interesting because here we get to learn all about the painters, the famous painters of India. So yeah, this is quite interesting subject. That's why I chose painting. इसमें हमको practical भी करने को मिलता है, जिसमें बहुत सारे canvas करने पड़ते हैं और जो हम लोग खुद बनाते हैं like pots में painting करना पड़ता है, everything जो practical हो गया जनवरी में और अभी चल रहा है हमारा, I mean अभी start होने को है हमारे theory exam जो कि 30 marks का है। painting बहुत easy है पर फिर भी इसके जो years हैं और किस painting किसने किया था, कौन से painting को किसने कुन मतलब किस कलर से किया था, कहाँ से वो कलर आया, एवरीथिंग वो थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, क्योंकि अगर उसमें गलती हो गई तो भैया मार्क्स तो अपना कटेगा। तो मैं पढ़ लेती, ऐसा नहीं है कि मैं कंटिन्यूअसली 2-3 hours में पढ़ लेती हूँ, ऐसा नहीं है, बीच में मैं ब्रेक लेती हूँ, क्योंकि अगर आप एक चीज कंटिन्यूअसली पढ़ते रहोगे तो क्या होता है, हम लोग बोर फील करने लगते हैं। जब आप किसी चीज़ पे बहुत देर तक आप उसको उस पर काम कर रहे हो, उसके बाद लगातार काम कर रहे हो, तो ऐसा एक टाइम आएगा जब आपको वो सब्जेक्ट और वो चीज़ थोड़ा बहुत बोर फील करने लगोगे, तो तब थोड़ा सा जो है ब्रेक लेना ज़रूरी है। तो ब्रेक लेने से रिफ्रेश हो जाता है माइंड, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा ब्रेक लेती हूँ बीच बीच में। तो मैंने जैसे कि अभी एक ब्रेक लिया, तो मैंने सोचा अभी ये व्लॉग करती हूँ। एक बात है, मैं जब भी पढ़ाई करने बैठती हूँ कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी नहीं बहुत बार ऐसा होता है कि मैं कुछ चीज़ पढ़ाई कर रही हूँ और अचानक से मेरा जो माइंड है वो डाइवर्ट हो गया, और लाइक और तब मैं सोचने लगती हूँ कि नेक्स्ट व्लॉग में क्या बनाऊँ और उसका कंटेंट क्या होगा, ये नहीं बनाऊंगी तो व्यूज़ नहीं आएंगे तो सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ेंगे, क्या करूंगी वो करूँ, मतलब ये सारे जो चीज़ें मेरे दिमाग में घूमता रहता है, तो इसीलिए मैं एक ब्रेक ले लेती हूँ ताकि जो सारी चीज़ें मैं एक बारी में सोच लूँ, उसके बाद ही मैं फिर से नए से फिर से स्टार्ट करूँ। तो जैसे कि अभी मैंने एक ब्रेक लिया तो बस यही है। ओके, सो प्लीज काइंडली इग्नोर माई बैकग्राउंड। ओके, सो अभी जो टाइम हो रहा है वो हो रहा है 9:15 और मेरा जो पढ़ाई है वो थोड़ा बहुत ख़त्म हो गया, फिर भी थोड़ा बहुत बाकी है वो ख़त्म हो जाएगा उसके बाद। तो मैं ये बता दूँ कि यूजुअली आज जैसा मेरा दिन गया है, यूजुअली ऐसा नहीं होता कभी, मतलब बिल्कुल ऐसा नहीं होता, पर ऐसा होता है कि कभी कभी मेरे को बाहर जाना पड़ता है, कभी या तो कुछ चीज़ें लाने तो बाहर जाना पड़ता है, या फिर कुछ काम होता है तो ज़्यादा काम होता है तो मैं कर लेती हूँ, ज़्यादा नहीं होता तो मैं सो जाती हूँ, ज़्यादातर सोती ही रहती हूँ, पढ़ाई जब होता है तो कर लेती हूँ। तो आज जैसा गया दिन तो वैसा मैंने दिखाया, बट ऐसा नहीं है कि आज जैसा गया वो डेली ऐसा ही होता है, यूजुअली ऐसा नहीं होता, पर आज जैसा है तो और क्या बताऊँ। तो ये एक चीज़ मेरा आंखों के सामने पर है और बहुत दुख हो रहा है मेरे को कि टूट गया, ये देखो यही चीज थी मेरे पास वो भी टूट गया, पता नहीं कब अपग्रेड करूंगी अपना सेटअप। ओके, सो ये बोला था मेरे को, इसीलिए मैंने सोचा फिर से मैंने ब्रेक लिया, इसीलिए मैंने सोचा कि ये बात बोल दूं। या So that was it for today. Now the time is 11:30 and I'm really feeling sleepy right now.
So don't forget to subscribe the channel, and yeah, please like the video if you like, really if you like. So yeah, see you in the next video then. Bye.